चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम कीर्ति। आज हम डिस्कस करने वाले म्यूकोमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है, अभी रिसेंट में जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट हैं तो उनको हो रहा है, बट सभी पेशेंट को नहीं हो रहा है। बहुत ही रेयर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि आपके नेजल पैसेज के थ्रू एंटर होगा। नेजल पैसेज से मोस्टली एंटर हो सकता है, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत रेयर चांसेस हैं। मोस्टली नेजल पैसेज से नोज से एंटर होगा, देन आपकी नोज, आइज, इवन ब्रेन लिवर तक, सॉरी ब्रेन लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि इवन आपको ये स्किन पर भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। बट पोस्ट कोविड के बाद जो पेशेंट हैं उनको ऐसी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि इवन उनकी इम्यूनिटी तक सप्रेस हो जाती है। तो कोई भी इन्फेक्शन हो, जब आपके अंदर इम्यून पावर ही नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी ही अच्छी नहीं होगी, तो आप उस चीज़ से कैसे फाइट कर पाएंगे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी हो रही है। जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, स्पेशली जो सीरियस पेशेंट रहे हैं, उनके वो कोरोना से तो ठीक हो गए हैं, कोरोना से जंग उन्होंने जीत ली है, बट आफ्टर दैट उनको यदि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होता है, जो कि आँखों के थ्रू या फिर नेजल पैसेज से आप इसका साइन सिम्टम के रूप में इसकी पहचान कर सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। तो इसको ट्रीट करने के लिए ना तो ये वायरल मेडिसिन से ठीक होगा, एंटीवायरल से, ना ही एंटीबायोटिक से। तो इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन दी जाएगी। तो जो रिसेंट में इंडिया में मोस्टली यूज़ होती है वो एम्फोटेरिसिन बी। तो 50% केस में क्या होता है कि जो म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन है या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, इसमें 50% केस में ठीक हो जाते हैं, बट रिमेनिंग 50% केस में क्या है, सीरियस कंडीशन तक हो सकती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर म्यूकोमाइकोसिस है क्या? तो म्यूकोमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक फंगाई के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है, जिसको हम क्या कहेंगे, म्यूकोमोरोसाइटिस, म्यूकोरोमाइसाइटिस। म्यूकोमाइसाइटिस से जो फंगाई है, तो फंगाई ऑलमोस्ट सभी जगह प्रेजेंट रहती है। नमी, जहाँ पर भी नमी होगी, गंदगी होगी, इवन आपके जो ब्रेड रखे होंगे 2-3 दिन पुराने तक, उनमें भी फंगाई होने लगेगी। बट जो म्यूकोरमाइसिट्स फंगाई है, एक कहाँ जो मोस्टली पेशेंट आईसीयू में रह के आए हैं या फिर लॉन्ग टर्म तक उन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए हों, तो स्टेरॉइड्स से आपकी इम्यून पावर है ऑलरेडी सप्रेस कर दी जाती है। तो यदि आपको वातावरण में फंगाई है भी, तो जिनकी इम्यूनिटी ठीक है उनको कुछ नहीं होगा, ये फंगाई कुछ नहीं कर पाएगी। बट जिन्होंने ऑलमोस्ट 15 to 20 days से ज़्यादा तक स्टेरॉइड्स ले लिए हों, इंजेक्ट किए गए हों उनको, या फिर ओरल रूट से दिए गए हों, तो उनकी इम्यूनिटी तो सप्रेस हो चुकी है, तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग, जिनके लिए अदर प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटिक के पेशेंट हो, ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो पा रहा हो उनका, पोस्ट कोविड पेशेंट हो, दैट मीन्स आप डिस्चार्ज होने के बाद आपको हो सकता है, एक्टिव केस में तब भी आपको होने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे, बट ये फंगाई है, खाद रहे जहाँ पर कंपोस्टिंग मैटर होगा वहाँ पर ये हो सकती है, सड़ी हुई रोटी रहे उन पर, जितनी भी जगह नमी रहेगी वहाँ पर ये मोल्ड लाइक फंगाई है जो प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उन्हीं को क्यों अफेक्ट कर रही है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जितने भी कोविड-19 के आफ्टर डिस्चार्ज वाले पेशेंट हैं उनको ये क्यों बन रही है, इसके साइन सिम्टम क्या रहेंगे, कैसे पहचान पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मोस्टली पेशेंट में क्या हो रहा है कि जब पेशेंट सीरियस हो रहे हैं तभी वो हॉस्पिटल जाके बता रहे हैं कि मुझे कंडीशन डेवलप हो रही है। बट यदि आपको वार्निंग साइन जैसे ही पता चलते हैं इस डिसीज़ के, म्यूकोरमाइसिटिस फंगाई के या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के, तो आप यदि इनिशियल स्टेज में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे केस अभी तक कोरोना से तो इंडिया लड़ ही रहा है, अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी डेवलप होने लगा है। तो इसके लिए जो मेडिसिन है, इन कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दे दिए हैं कि आई थिंक 30,000 डोज और 25,000 डोज हैं जो अवेलेबल करवाए जाएं स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंट में 3 केस आए हैं, बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से केस देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके सिम्टम क्या रहेंगे। हमने पढ़ लिया कि एंटर कहाँ से होगा आपके, बाय नोज से,
आपके एंटर हो सकता है, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से आईसीयू में या फिर जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कराई जाती है वो ड्राई ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको मॉइस्ट किया जाता है, उसमें डिस्टिल वाटर है जो नॉर्मल वाटर है जो मिलाया जाता है, तो जिसके द्वारा ऑक्सीजन मॉइस्ट होती है। तो जो मॉइस्ट जितनी भी जगह मॉइस्ट रहेंगी, नमी वाली रहेंगी, वहाँ पर फंगल प्रेजेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो फंगल है हॉस्पिटल से भी आपके अंदर डेवलप हो सकता है। सेकेंड थिंग, जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए गए हों उनको डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स होंगे जिससे आपके बाद आपको पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। तो मोस्टली COVID-19 के जो पेशेंट हैं अभी उन्हीं में हो रहा है, चाहे एक्टिव पेशेंट हो, मतलब उनका रिजल्ट अभी भी पॉजिटिव हो, या फिर जिनकी रिकवरी हो रही हो, या फिर आफ्टर डिस्चार्ज वाले पेशेंट हो, तो इनमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेज़ल डिस्चार्ज होगा, कभी कभी जो नेज़ल डिस्चार्ज है नॉर्मली आपके जो नॉर्मल नेज़ल डिस्चार्ज है उससे डिफरेंट तरीके का होगा, ब्राउन कलर का हो सकता है, या फिर नोज़ से ब्लड भी आ सकता है। फेशियल, आई, जॉ, ईयर पेन एंड स्वेलिंग, तो जब आपके जो साइनस, यदि आपको साइनस इन्फेक्ट होते हैं, साइनस अफेक्ट होते हैं आपके, तो आपको फेशियल पेन होगा, कानों में भी दर्द हो सकता है, जबड़ों में भी दर्द और स्वेलिंग हो सकती है। जो डेंजरस साइन रहेगा वो होगा आँखों के नीचे स्वेलिंग का आना, दैट मीन्स ये जो फंगई है आपकी आँखों तक पहुँच चुका है, तो आँखों से ब्रेन तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ब्लड विजन भी रहेगा, धुंधला दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मोस्टली बेसिक सिम्टम हो गए, राइट। तो ये किस किस पार्ट को अफेक्ट करेगा? आपकी नोज, आई, ब्रेन एंड लंग्स, तो आपके जो मेन पार्ट है इनको अफेक्ट करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, बहुत ही जल्दी ट्रीट नहीं हो पाता है, कभी कभी आपको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आती जब तक देर हो जाती है। तो मेनली ये किनको अफेक्ट कर रहा है, सिम्टम पढ़ लिए हमने, हम पढ़ेंगे हाई रिस्क ग्रुप, किनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोज ऑन हाई डोज ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स, तो ऐसे लोग जो स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई डोज ले रहे हों, तो अभी डॉक्टरों की भी व्यवस्था हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बिना स्टेरॉइड्स के बहुत सारे पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। इवन जो नॉर्मल गाइडलाइन रिलीज़ की गई है उसमें छठवें दिन से, जो कोरोना का टोटल 14 दिन का टाइम पीरियड है, तो उसमें छठवें दिन से फर्स्ट फिफ्थ डे तक डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, और छठवें दिन से स्टेरॉइड्स भी और मेडिसिन में शामिल कर दिए जाते हैं। जब स्टेरॉइड शामिल किए जाते हैं ट्रीटमेंट में तो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। तो सेम थिंग हो रही है कि आप यदि बहुत लंबे टाइम से, इवन 20 और 25 डेज से स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो उनमें ज़्यादा चांस है इसके होने के। डायबिटिक पेशेंट, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, हाइपरग्लाइसीमिया है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं क्या होने के, ये फंगल इन्फेक्शन होने के। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, चाहे वो HIV के हों, कैंसर के हों, या फिर उनको अदर ऑटो इम्यून डिसीज़ हो, और जो लोग बहुत लंबे टाइम से ICU में हैं, तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, सभी को ये फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रेस्ड है और जिनने बहुत लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड्स लिए हों उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर जिनको हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद ICU में रहते हैं, वेंटिलेटर पर जाते हैं, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर आपको लगाया जा रहा है, तो जो मॉइस्ट हो रहा है, नमी प्रोवाइड करवाई जा रही है आपके नेजल पैसेज के थ्रू, तो वहाँ से आपके लिए अंदर जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पढ़ लिए साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, कब आपको ज़्यादा केयरफुल होना है, या तो आप डायबिटिक हों, दूसरा आपने बहुत लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड्स लिए हों COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर दो चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है। यदि कोई पेशेंट ICU से डिस्चार्ज होके आया है, डिस्चार्ज होने के बाद उसको नेजल और साइनस कंजेशन लगता है, ब्लैक लेसन, ब्लैक आपको स्पॉट टाइप से देखने को मिलते हैं अपनी नाक के ऊपर, मुंह में, अंदर, इनसाइड, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको क्या करना और क्या नहीं करना। करने में बात आती है तो डूज, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना, आपको अपना डायबिटिक जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करना है, आपको अपना पोस्ट कोविड डिस्चार्ज के बाद जो भी लोग डायबिटिक वाले हैं उनको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है। स्टेरॉइड्स बहुत ही डॉक्टर की जो कंसल्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग लेना है, आपको अपने मन से स्टेरॉइड्स नहीं लेना है,
और आप ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं तो जो वाटर उसमें यूज़ किया जाता है मॉइस्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को नमी बनाने के लिए, तो स्टराइल वाटर या फिर ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करें, और एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ करें जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। क्या नहीं करना है, तो जो भी वार्निंग साइन सिम्टम है उनको मिस नहीं करना है। यदि आपको ब्लॉक्ड नोज है या फिर बैक्टीरियल साइनसाइटिस है या फिर इम्यूनो कंप्रेस है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। किसी भी तरीके से हेजिटेट नहीं होना है, और एंड टाइम तक तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि अब ये ठीक हो जाएगा घर पे ही, कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट की बात आती है, तो जब फंगल के द्वारा हो रहा है तो एंटी फंगल मेडिकेशन ही यूज़ की जाएंगी। इवन अभी रिसेंट में कुछ केस में आँखों तक को निकाला जा रहा है, सर्जरी तक की जा रही है, और जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हैं उनको कम किया करना है। तो जो एंटी फंगल मेडिकेशन यूज़ हो रही है वो क्या है, एम्फोटेरिसिन बी। तो ये इंजेक्टेड फॉर्म में भी आईवी रूट के थ्रू दी जा सकती है, टेबलेट के फॉर्म में भी दी जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपको कितने लेवल तक इन्फेक्शन हो चुका है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो म्यूकोमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, ये सभी में नहीं होता है। ये उन्हीं पेशेंट पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस है, या फिर जिनको बहुत लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हों कोविड में, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से जो लोग आईसीयू में रह के आए हों, तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन जो दिया जा रहा है, तो नेजल पैसेज के थ्रू फंगाई ऑलमोस्ट सभी जगह प्रेजेंट रहता है। मोल्ड लाइक फंगाई है, म्यूकोरोमाइसाइटिस जो फंगाई है, ये सभी जगह प्रेजेंट रहता है। बट जहाँ पर भी ज़्यादा नमी रहेगी वहीं से आपको एंटर हो सकता है, मिट्टी में भी रहता है, जो भी सड़ी गली खाद रहती है, खाना रहता है उसमें भी हो सकता है। बट ये अफेक्ट उन्हीं लोगों को करता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट ले लो जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिन्होंने लॉन्ग टाइम से स्टेरॉइड्स लिए हो उनके लिए। और वार्निंग साइन की बात की जाए तो वार्निंग साइन में यही साइन आते हैं कि आपका हेडेक हो रहा हो, ब्लैक कलर के नेजल पैसेज में स्पॉट देखने को मिल रहे हो, माउथ में मिल रहे हो, ईयर पेन हो रहा हो, आँखों के नीचे स्वेलिंग आ रही हो, तो ये मोस्टली बेसिक साइन है। और एक इस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये आँखों को, नाक को, ब्रेन को और लंग्स को अफेक्ट करता है। 50% जो 100% केस आते हैं तो उनमें से 50% केस तो ठीक हो जाते हैं, बट रिमेनिंग 50% है जो फेटल कंडीशन में पहुँच के इवन उनकी आँखें तक निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो आई होप आपके लिए टॉपिक समझ में आ गया हो। तब भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।